हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। यार कैसे हो भाई? मस्त रहो, चिल रहा हो एकदम। तो आज आपको अपने जर्मन शेफर्ड के पपीज और एक लास एप्सो की फीमेल आपको दिखाता हूँ। सारी डिटेल्स दूंगा वीडियो में, लास्ट तक बने रहिएगा। और अभी मैं तीन जो अपने डॉग्स है, एक शिटजू की एडल्ट और दो लास एप्सो की एडल्ट फीमेल, एकदम नॉर्मल प्राइस में आपको प्रोवाइड करूंगा। तो जो भी लेना चाहता है जल्दी जल्दी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले। पहले सोचा था फ्री एडॉप्शन में देने के लिए, बट क्या फ्री एडॉप्शन में काफी प्रॉब्लम, काफी इश्यूज होते हैं। अगर किसी एक बंदे को दे देते हैं ना, तो यार अलग लोग काफी गलत कमेंट्स डालते हैं। तो इसलिए उनका एक नॉर्मल एकदम मिनिमम अमाउंट रखा है, ताकि जो पहले पेमेंट करेगा उसी को वो पपीज आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। और जो लेना चाहता है जल्दी जल्दी अपने भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर ले, फॉलो कर ले। और जल्दी मैं उस टॉपिक के ऊपर वीडियोज आपके लिए बनाऊंगा। तो आपको दिखाता हूँ फिलहाल अपने जर्मन शेफर्ड के पपीज, दो पपीज है मेल और एक फीमेल, लास एप्सो की है। वीडियो आप लास्ट तक देखिएगा। तो फाइनली भाई ये अपना ब्लैक टैंक जर्मन शेफर्ड का मेल पपी, और अभी इसके कान भी स्टैंडिंग पोजीशन पे हो गए और फुली ब्लैक मास्क में ये मेल पपी है। तो जो भी लेना चाहता अपना डबल कोट में पपी, आप देख सकते हैं हेयर क्वालिटी। और जो अभी पपीज की जो एज हो गई है वो हो गई है 35 डेज। 35 डेज के ये पपीज हो गए अभी, और फुल्ली एक्टिव हेल्थी पपीज है। ये देख सकते हैं आप पपीज की क्वालिटी, ब्लैक मास्क में पपीज, जो चाहता है ब्लैक पास में पपीज रखना अपने पास तो आप कॉन्टेक्ट कर सकता है। स्टैंडिंग पोजीशन होने के बाद ये देख सकते हैं आप पपीज की क्वालिटी। जो इनका फादर अपना ब्रूनो है, ब्लैक रेड जर्मन शेफर्ड। तो अभी आपको दिखाता हूं दूसरा भी मेल पपी, और ये है फाइनली अपना दूसरा मेल पपी। तो आपको काफी अच्छे से दिखा रहा हूं, स्टैंडर्ड साइज का इनका कोट रहेगा, डबल कोट आप कह सकते हो। हेयर क्वालिटी आपके सामने है। जो फादर अपना इनका है ब्रूनो, और जो फर्स्ट टाइम ओनर है वो इजीली इस ब्रीड को रख सकते हो, काफी इजीली ट्रेन हो जाते हैं। अगर आपके घर में छोटे बच्चे हैं तो आप जब भी इस ब्रीड को रख सकते हो, कोई भी रखने के रिगार्डिंग कोई इश्यूज नहीं आते। बट आपको बस सिर्फ इनको एक्सरसाइज करानी है, वर्कआउट अच्छे से कराइए, ताकि आपको इनके लेग्स के रिगार्डिंग कोई इश्यूज ना आए। अगर आप जब भी कोई बड़ी ब्रीड खरीद रहे हैं तो हरदम ध्यान रखें उसके बारे में, थोड़ा पढ़ लीजिए क्या कैसे उनको रखना है, जब भी आप ब्रीड्स को बाय क्या करें। तो ये अपना ब्लैक टैंक जर्मन शेफर्ड का मेल पपी सेकंड, और अब दिखाता हूं आपको लास्ट एप्सो के ट्राई कलर की फीमेल, उसकी भी सारी डिटेल्स दूंगा, वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। और चैनल अच्छा लगे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।